dear students, me Chaya Thakur say welcome to the LJ Polytechnic online session. In previous lecture, we seen some example is totally based on some fundamental theorem. Now in today's lecture, we will learn some different type of example, that is a prove that. So now we will start. Now look at the question here. Prove that 1 upon log 24 to the base 6 plus 1 upon log 24 to the base 12 plus 1 upon log 24 to the base 8 is equal to 2. यानी कि यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन है, एल एच एस साइड इज इक्वल टू आर एच एस साइड. तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रूव करना है. सो प्रूव दैट के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपलसरी लिखना है एल एच एस साइड. यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे, राइट डाउन हियर, एल एच एस इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 24 टू द बेस 6 प्लस 1 अपॉन लॉग 24 टू द बेस 12 प्लस 1 upon log 24 to the base 8, right? अब यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन. सिंप्लीफाई करने से आपको इज इक्वल टू 2 आंसर मिलेगा एंड देन राइट डाउन द आरएचएस साइड. तो आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे फिर से हमको फंडामेंटल लॉ का यूज करना पड़ेगा. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे यूज करेंगे फोर्थ फंडामेंटल लॉ, चेंज द बेस. सो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 1 अपॉन लॉग 24 अपॉन लॉग 6 प्लस 1 अपॉन लॉग 24 अपॉन लॉग 12 प्लस 1 अपॉन लॉग 24 अपॉन लॉग 8. क्लियर? तो हमने यहाँ पे यूज किया है चेंज द बेस का. सो राइट डाउन हियर, लॉग x टू द बेस y इज इक्वल टू कन्वर्टिंग टू द लॉग x अपॉन लॉग वाई. दैट इज अवर रीजन. अब यहाँ पे यूज करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन. यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज अ कन्वर्टिंग टू द न्यूमरेटर. सो राइट डाउन हियर, दैट इज इक्वल टू लॉग 6 अपॉन लॉग 12, सॉरी लॉग 24 प्लस लॉग 12 अपॉन लॉग 24 प्लस log 8 अपॉन log 24. क्लियर? यानी कि यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स कैसे है, सेम. सबका आंसर है log 24. सो डायरेक्टली इट इज द कन्वर्टिंग टू द एडिशन फॉर्म. सो राइट डाउन हियर, दैट इज log 6 प्लस log 12 प्लस log 8 डिवाइड बाय log 24. अब यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में हर एक लॉग की वैल्यू दी गई है. सो फंडामेंटल फर्स्ट लॉ हमारा है एडिशन इज अ कन्वर्टिंग टू द मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा लॉग 6 इंटू 12 इंटू 8. सो दैट इज इक्वल टू लॉग 6 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइड बाय लॉग 24. सो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज अ लॉग 576 डिवाइड बाय लॉग 24. Now 576 is the square of 24, so that is equal to log 24 whole square divide by log 24. अब ये 2 आपका आगे आ जाएगा. दैट मीन्स कि यहाँ पे हम थर्ड फंडामेंटल लॉ यूज करेंगे, दैट इज अ पावर लॉ. तो 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा एंड log 24 डिवाइड बाई log 24. तो log 24 कैंसल आउट. सो यहाँ पे रह गया 2 log 24 upon log 24. So log 24 is a cancel out. Then answer is a 2. तो ये आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना था, 2. और यहाँ पे हमको आंसर में भी मिल गया 2. तो इसको यहाँ पे कंपल्सरी RHS लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स. ये अगर आप यहाँ पे RHS नहीं लिख रहे हो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा. सो कंपल्सरी राइट डाउन हियर RHS. ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी हमारा प्रूव दैट का क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस वाई इंटू लॉग वाई क्यूब टू द बेस जेड इंटू लॉग जेड रेस टू 4 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू 24. तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है 24. जैसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन में भी लेंगे एल एच एस साइड. सो राइट डाउन हियर, एल एच एस इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस वाई इंटू लॉग वाई क्यूब टू द बेस जेड इंटू लॉग जेड रेज टू 4 टू द बेस एक्स। क्लियर। जैसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था चेंज द बेस का यूज, यहाँ पे भी हम करेंगे चेंज द बेस का यूज। तो क्या होगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग वाई इंटू लॉग वाई क्यूब अपॉन लॉग जेड इंटू लॉग जेड रेज टू 4 अपॉन लॉग एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे हमने यूज किया है फोर्थ फंडामेंटल लॉ, चेंज द बेस, यानी लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस लॉग वाई। क्लियर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट यूज करेंगे पावर लॉ, यानी कि हमारा थर्ड फंडामेंटल लॉ। तो जितनी भी पावर दी गई है यहाँ पे वो सब आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। सो राइट डाउन हियर 2 इंटू लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई इंटू 3 इंटू लॉग वाई अपॉन लॉग जेड इंटू 4 इंटू लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स। यानी कि यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हो गई मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हमने यूज किया है पावर लॉ, वो हमारा है लॉग एक्स रेज टू एम टू द बेस ए इज इक्वल टू एम इंटू लॉग एक्स बेस ए। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे होगा कैंसिलेशन, यानी कि यहाँ पे लॉग एक्स कैंसिल होगा, लॉग वाई कैंसिल होगा, लॉग जेड कैंसिल होगा, क्योंकि सारी टर्म्स कैसी है सेम। और सेकेंड थिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। तो लॉग एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग वाई कैंसिल आउट, लॉग जेड इज ऑल्सो कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग टर्म क्या बची हमारी यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 2 3 जा 6। सो राइट डाउन हियर दैट इज 6 इंटू 4 एंड 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हो गया 24। तो हमको प्रूव क्या करना था, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसकी राइट हैंड साइड है 24, तो वो हमने यहाँ पे प्रूव किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखना जरूरी है यहाँ पे RHS। सो राइट डाउन हियर दैट इज RHS फॉर्म हो गया। तो दोनों क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखा है, दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रूव दैट के हैं। दोनों में हमने प्रूव किया है कि RHS की वैल्यू क्या मिल रही है। जो RHS की वैल्यू आपको मिल रही है वो लिख के, यहाँ पे RHS लिखना बहुत जरूरी है, तो ही आपका क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट।